हेलो एवरीवन, कुछ दिन पहले मुझसे पूछा गया जब मैं अपना वर्कशॉप दे रही थी कार्मिक अवेकनिंग एंड हीलिंग का। तो एक सवाल आया कि अच्छी और बुरी परिस्थिति में हम अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और इसे हमें समझना ज़रूरी है। किसी भी प्रॉब्लम को हम तब तक ही प्रॉब्लम बना सकते हैं जब तक कि हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हमें किसी की कोई बात अच्छी लगे या बुरी लगे, ये हमारा खुद का सेल्फ एनालिसिस सिस्टम है जिसे हम खुद बनाते हैं, कोई और नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं फेसबुक पर हूँ, मेरी वॉल पर लोग कमेंट लिख देकर चले जाते हैं, हमेशा प्लेजेंट नहीं होते और कई बार तो सेंसलेस होते हैं कि उनका कोई मीनिंग भी नहीं होता। ऐसे एक दो लोग हमेशा हर एक की ज़िंदगी में होंगे। ये एक फेसबुक की टाइमलाइन या ट्विटर की टाइमलाइन या आपके कॉलेज में आपके साथ ऑफिस में कोई कुलीग, हमेशा ये भी प्रजाति पाई जाएगी। लेकिन अब इनसे हम खुद को कैसे बैलेंस करें? आप एक चीज़ अपने मन में अंडरस्टैंडिंग भी ये बनाइए कि सामने वाले का जो भी कमेंट है वो आप क्या हो ये नहीं बता रहा। सामने वाला जब बोल रहा है आपके विषय में तो वो अपनी प्रेफरेंसेस बता रहा है, अपनी सोच बता रहा है, अपनी समझ बता रहा है। जैसे मार्केट में कोई ड्रेस बिक रही है, उसको ख़रीदने के लिए 10 लोग हैं। एक लोग एक देखेंगे उसमें एक कमी बताएंगे, एक देखेंगे उसमें एक कमी बताएंगे, लेकिन कोई एक उस ड्रेस को लेके जाएगा, पहनेगा और परफेक्ट भी दिखेगा। तो ये क्या है? ये उन लोगों की अपनी बॉडी शेप, अपने कंफर्ट जोन, अपने बजट, प्रायोरिटी, एनवायरनमेंट, उसका एक्सप्रेशन है। ड्रेस तो अच्छी है और उसका भी बायर है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर डेवलप कीजिए। जब आप ये डेवलप कर लेते हैं, अपने अंदर आत्मविश्वास से भर जाते हैं, तो किसी के कमेंट का कुछ बुरा नहीं लगता। फिर आप हंस के निकल जाओगे, जिसे जो कहना है कहते रहो, आई एम दैट आई एम। लेकिन इस स्टेटस को पाना बहुत आसान नहीं है। उसके लिए रोज़ाना 10 मिनट मेडिटेशन कीजिए। मॉर्निंग में करेंगे सबसे अच्छा है, लेकिन हर कोई मॉर्निंग में नहीं कर सकता। इवनिंग में कीजिए, रात को सोने से पहले कीजिए। जो मैंने कर्मा अवेकनिंग में एक मेडिटेशन डाला है, वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उस मेडिटेशन को यूज़ कीजिए, उससे आपको सेल्फ अवेयरनेस होगी। जब मुझे पता है मैं क्या हूँ, तो मुझे किसी और से क्या फ़र्क पड़ता है कि वो क्या सोचता है, क्या कहता है, ठीक है ना? दूसरों को हर्ट मत कीजिए, लेकिन अपने से इतने अच्छे से जुड़ जाइए कि आपको पता है कि मैं कहाँ, क्या, कैसे और कितने हूँ। दूसरी बात, हम कुछ मंत्रों की प्रैक्टिस से भी इस समस्या को दूर कर सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली ऑरा कमज़ोर है, जो हम दूसरों के कचरा को लेने के लिए ईगर रहते हैं। तो दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा के जब हम इतने असीम ग्राह बने हुए हों, तो ऐसी अवस्था में स्पष्ट है कि हमारा ऑरा यानी कि आभा मंडल बहुत कमज़ोर है। आभा मंडल को हम किसी भी मंत्र के निरंतर जाप से सशक्त कर सकते हैं। ये जो जाप होगा संकल्प के साथ होना चाहिए, 108 बार होना चाहिए और रोज़ाना नियम से होना चाहिए। आप 21 दिन महीने में भी कर सकते हो। मंत्र कोई भी आप ले सकते हो, अपने इष्ट का ले सकते हो, या फिर सिंपली ओम का भी चांट कर सकते हो। कुछ लोकप्रिय मंत्रों में सोहम, जिसका मेडिटेशन मैंने डाला हुआ है, अगर आप उसे करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करने की ज़रूरत है बस।
उसके अलावा अहम ब्रह्मास्मि, अहम कृष्णास्मि, ओम शांति, ये ऐसे मंत्र हैं जो बहुत फेमस हैं और बहुत लोकप्रिय हैं। आप इनका 108 टाइम अगर चैंट करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत बहुत फ़ायदे होंगे। लेकिन कीप हमेशा ये ध्यान रखें कि जब आप किसी भी धार्मिक मंत्र को जप कर रहे हैं तो उसकी मर्यादा पर रहें, यानी कि शुचिता का ख्याल रखें। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। दुनिया में आए हैं, बहुत प्यार दीजिए, बहुत अच्छा बोलिए, आपके शब्द शब्द में ऊर्जा है, अच्छी बातें बोलिए, अच्छी बातें सोचिए। और इसी सुविचार के साथ मैं ऋतु कौशल आपको प्रणाम करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और मेरे हिंदू भाई बहन हमेशा बोलते हैं हिंदी भाषी हिंदी में वीडियो नहीं बनाती, हिंदी में वीडियो नहीं बनाती। अब मैं बना रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि मेरे हिंदी भाषी भाई बहन कमेंट या लाइक तक नहीं करते। फिर मैं वापस इंग्लिश में बनाने शुरू कर दूँगी। बोल रही हूँ आपसे बहुत प्यार से। जय साईं राम। बाय।